गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीमाज किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम दही और लौकी से एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाएंगे। ये पूरे परिवार के लिए बनेगी और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हम इस लौकी के छिलके को रिमूव कर देंगे। लौकी फ्रेंड्स एकदम से फ्रेश हो, ताज़ी हो तो अच्छी रहती है। हम इसके सारे छिलके को अच्छे से रिमूव कर देंगे। इसके छिलके को रिमूव करने के बाद में हम एक छोटा वाला ग्रेटर लेंगे और इससे इसको इस तरह से ग्रेट करेंगे। आपके पास मोटा हो तो आप मोटे वाले ग्रेटर से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह से हम हमारी सारी लौकी को इसकी हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। सारे लौकी को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये लौकी जो है बीज वाली नहीं होनी चाहिए, यदि बीज वाली हो तो इसके बीजों को अलग कर दें। जब ये सारी लौकी अच्छे से ग्रेट हो जाए तो हम इस तरह से हम कोई भी बड़ा बर्तन लेंगे और इसके अंदर इस लौकी को डालेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर हमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है ये डाल देंगे। इसके अंदर हमें एक पिंच हल्दी है ये डाल देंगे और इनके अंदर हमें एक चम्मच वाइट नमक है ये डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ये एक चौथाई छोटी चम्मच धनिया पाउडर है ये डालेंगे और एक चौथाई छोटी चम्मच ही ये टेस्ट के लिए मैं सौंफ पाउडर है ये डाल रही हूँ। अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम ये बेसन है ये ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं ये तीन चम्मच बेसन है ये डाल रही हूँ और इन सबको इस स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे। इसके अंदर फ्रेंड्स हमें पानी नहीं डालना है जरा भी, क्योंकि लौकी के अंदर ही काफ़ी पानी होता है। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया है और इसके अंदर हमें इसको छोटे छोटे इस तरह से पकौड़े की तरह छोड़ेंगे। और इनको एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे। जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएं तो इनको हम पलट देंगे और इनको दूसरी साइड से सिकने देंगे। इस तरह से इनको केयरफुली पलट दें। गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। जब ये अच्छे से सिक जाए तो हम गैस के फ्लेम को एकदम से लो कर लेंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही सेकना है, उससे ज़्यादा सेकेंगे तो उनके टेस्ट में चेंज आ जाएगा। अब हमने कढ़ाई के एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर निकाल दिया है और इसके अंदर सिर्फ हमने दो चम्मच ऑयल को रखा है। अब हम इसके अंदर एक पिंच हींग है ये डालेंगे और इसके अंदर हमें आधा चम्मच जीरा है ये डालेंगे और इसको चटकने देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है ये डालेंगे और इसके अंदर हमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है ये डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ये हमने नमक पहले इसके अंदर डाल दिया था, इसके अंदर हम ये डालेंगे आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसके अंदर ये कड़ी पत्ते हैं ये डालेंगे और इन सबको डालने के बाद में हमारे कोफ्ते हैं हम ये डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ये सौंफ पाउडर है ये डालेंगे और इसके अंदर हम ये धनिया पाउडर है ये डालेंगे। गैस के फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है और हमने ये जो दही था इसको विस्कर के हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया है। इसके अंदर हम ये डाल देंगे और इसको कंटिन्यू चलाएंगे। अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए। इसको कंटिन्यू चलाते हुए जब इसके अंदर एक अच्छा सा उबाल आने लगे तो हम इसको छोड़ देंगे और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे। और इसके अंदर हमारे पास ये हरी मिर्च है, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है ये डाल देंगे। यदि आपको हरी मिर्च खाने में अच्छी नहीं लगती है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें उबाल आते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पककर रेडी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मेरे पास ये 2 चम्मच फ्रेश दूध की मलाई है, इसके अंदर में ये डाल दूंगी। और इसके अंदर हमें गरम मसाला है, ये डाल देंगे। गरम मसाले यदि आप नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मेरे पास ये सूखा हरा धनिया है, मैं ये डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, दही वाले कोफ्ते की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो अब हम एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।